हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे। यार आज की इस वीडियो में हम लोग एक नोटिस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जामिया डिस्टेंस मोड के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो जामिया डिस्टेंस मोड के लिए अप्लाई किए हुए, जो जामिया डिस्टेंस मोड के एंट्रेंस में बैठने वाले हैं। उससे पहले यार वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो सकता है। यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है। यहाँ पर टेलीफोन नंबर बल्कि दिए हुए, दो कॉन्टैक्ट नंबर कह सकते हैं ये दिए हुए। पहला है टेलीफोन नंबर है, दूसरा डायरेक्ट कंट्रोलर वाला नंबर लगा के आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है डिस्टेंस मोड से रिलेटेड, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इंक्वायर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इनसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। कई बार आप कॉमेंट सेक्शन में पूछते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें मेरे भी नॉलेज में शायद नहीं रहता है, मैं अवेयर नहीं रहता उस चीज़ के लिए, तो आप डायरेक्ट इनसे पूछ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट आपको बताएंगे। इसमें अगर ये आपको कोई चीज़ बताते हैं तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहता है, मतलब कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको एडमिन बता रहा है। दूसरी बात है, देखें नोटिस जो है ये आपको 4 दिसंबर का है, बट ये 5 दिसंबर को नोटिस अपलोड हुआ है। आप जानते हैं कि एक दिन पहले उनको नोटिस बना के रखने में लग जाता है, फिर वो उसी नाइट को या फिर एक दिन बाद अपलोड होता है जनरली। अब देखिए क्या नोटिस है डिस्टेंस मोड का, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है बात करना, अभी हम लोग देखते हैं। यार उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि जामिया ने रिवाइज शेड्यूल लाया था डिस्टेंस मोड के लिए, अगर आप किसी यूजी और पीजी कोर्स में मेरिट बेस में या फिर कह रहे नॉन एंट्रेंस में, मेरिट तो नहीं, नॉन एंट्रेंस में जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका डेट, लास्ट डेट 10 दिसंबर से बढ़ा करके 28 दिसंबर कर दिया, मतलब 20 दिसंबर तक कर दिया। मतलब कि आप किसी भी नॉन एंट्रेंस टेस्ट जहां पे डायरेक्ट एडमिशन हुआ है आप 20 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यार बात करते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन बीएड और एमबीए के टेस्ट डेट में भी हुआ है। जैसा कि यार बीएड का एंट्रेंस पहले से था, लेकिन इस बार अब जो रिवाइज शेड्यूल आया उसमें आपका बीएड का एंट्रेंस आपको 12th ऑफ दिसंबर में, ओके। उसके बाद अगर एमबीए की बात करें तो एमबीए का है यार आपको 13th ऑफ दिसंबर में, यानी कि बीएड का आपको 12 दिसंबर में एंट्रेंस है। उसके बाद अगर एमबीए की बात करें तो 13 दिसंबर में एंट्रेंस है। अब यार हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अब एंट्रेंस का डेट और सब चीज तो बात कर ली। यहां पे यार नोटिस को अगर हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है यार, Owing to the few applicants received at the following test center have been shifted to Jamia Millia Islamia for the entrance test of BA distance mode and MBA distance mode. इसका मतलब यार पहले भी मैंने बताया था, जामिया क्या करती है किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट सेंटर में जहां बच्चे कम अप्लाई करते हैं, जैसा कि इनके पास एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि किसी टेस्ट सेंटर में आई गेस 41 या 43 एटलीस्ट होना चाहिए, 41 या फिर 43 एटलीस्ट इतने एस्पिरेंट वहां के लिए अप्लाई किए हुए होना चाहिए। अगर उससे कम अप्लाई करेगा तो उसका टेस्ट सेंटर कैंसिल करके वो टेस्ट सेंटर दिल्ली कर दिया जाएगा या फिर जामिया कर दिया जाएगा। तो यही हुआ है आपका बीएड और एमबीए के साथ, किस किस टेस्ट सेंटर के साथ हुआ ये हम लोग यहाँ पे वीडियो में देखेंगे अभी। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स है, ओल्ड सेंटर्स है, यहाँ पे न्यू सेंटर्स है। इसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ कोर्स बीएड में देखें, अगर आपने बीएड में टेस्ट सेंटर दिया था बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन आदर्श नगर बल्लभगढ़ फरीदाबाद, तो आपको यार जामिया आना पड़ेगा। अब इस सेंटर पे टेस्ट आपका नहीं होगा, किस कोर्स के लिए, बीएड के लिए। दूसरा है अल्फला यूनिवर्सिटी ध्वज फरीदाबाद में भी अगर आपने दिया था तो आपको यार जामिया आना पड़ेगा टेस्ट के लिए, बीएड के टेस्ट के लिए आपको वहां टेस्ट नहीं होगा। तो बीएड के लिए यार दो सेंटर है बेसिकली जिसका टेस्ट सेंटर कैंसिल हुआ है, उसके लिए आपको जामिया आना पड़ेगा। सबसे पहला बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन आदर्श नगर बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, दूसरा अल्फला यूनिवर्सिटी ध्वज फरीदाबाद में। इन दोनों टेस्ट सेंटर में अगर आपने अपना टेस्ट सेंटर चूज किया था, टेस्ट सेंटर ऑप्ट किया था, तो अब आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। अब यार हम लोग दूसरा देखते हैं, एमबीए के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर आपने एमबीए के लिए अपना अगर टेस्ट सेंटर ग्लोकल यूनिवर्सिटी दिल्ली यमुनोत्री मार्ग मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर अगर आपने दिया था तो आपको यार जामिया मिल्लिया इस्लामिया आना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेस्ट सेंटर में बच्चे कम होने की वजह से, एस्पिरेंट कम होने की वजह से वहां पर टेस्ट नहीं होगा। अब यार यहाँ पे नीचे भी कुछ लिखा, यहाँ भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट्स हु ऑप्टेड द अबव मेंशन टेस्ट सेंटर आर इन्फॉर्म टू रीच द जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली टू अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द बीएड एंड एमबीए डिस्टेंस मोड एज पर द रिवाइज शेड्यूल अवेलेबल एट jmicoe.in। यहाँ पे यार कह रहा है कि जिन बच्चों ने इस टेस्ट सेंटर यानी कि बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन आदर्श नगर बल्लभगढ़ फरीदाबाद में और अल्फला यूनिवर्सिटी ध्वज फरीदाबाद में चूज किया था बीएड के लिए, उन्हें जामिया आना है। और दूसरी बात, एमबीए के लिए अगर आपने ग्लोकल यूनिवर्सिटी दिल्ली यमुनोत्री मार्ग मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर अगर आपने चूज किया था तो आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया आना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए।
दूसरी बात है, अगर आपको रिवाइज शेड्यूल के बारे में जानना है तो एक और मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं ये बता दूं कि यार उस पीडीएफ को, रिवाइज जो शेड्यूल आया उस पीडीएफ को मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और जल्दी, बहुत जल्दी यार, आज एक दो वीडियो और आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा अगर आपका जामिया में, स्कूल में या फिर कॉलेज में नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।